नमस्ते, दिस इज़ डॉक्टर शायन सुंदरम, जीवीएस डॉक्टर शायन सुंदरम, फैकल्टी ऑफ एफपीडी. टुडे वी विल डिस्कस ऑन टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड वॉकिंग एड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज पर्पसफुल एक्यूरेट रिदमिकल एक्ट ऑफ मूवमेंट्स दैट डन बाय अ ग्रुप ऑफ मसल्स, राइट. एंड व्हाट इज इनकोऑर्डिनेशन. इनकोऑर्डिनेशन इन दे आर वी फोकस ऑन द जर्की मूवमेंट्स दैट इज known as asynergia. And the causes are for incoordination are flaccidity, spasticity, loss of kinesthetic sensation, flaccidity, what is spasticity and loss of pressure sensation. In the first point, we will see, we will lose the tone of muscle tone, decrease muscle tone. In that, we will see, in the case of flexion of elbow. हम हमारी body में देखते हैं standing posture के अंदर आपने देखा है कि हमारे जो calf muscles हैं, elbow muscles हैं, they are in some, they are having some tone. अगर उनकी tone बढ़ा दी जाए, जैसे कि आप देखेंगे मेरी जो एल्बो है, अगर मैं उसको फ्लैक्स कर रही हूँ, दे आर मसल टोन. अगर मसल टोन कम हो जाती है तो मेरी जो एल्बो मसल है, दे आर गोइंग इनटू एक्सटेंशन पोस्चर, राइट. इन स्पास्टिसिटी वी विल सी द इंक्रीज इन मसल टोन. उसमें हम क्या देखेंगे, बेसिकली अगर मसल टोन बढ़ती है तो आप फ्लैक्शन नहीं कर पाएंगे, आपकी टोन बढ़ गई है, वो आपको अपोज कर रही है रेजिस्टेंस के थ्रू, राइट. एंड द थर्ड पॉइंट वी विल सी लॉस ऑफ कनेक्टिव सेंसेशन. इसमें आप क्या देखेंगे, पेशेंट की एबिलिटी हो जाएगी कि चेक करने की कि उसकी कौन से बॉडी पोस्चर मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो पा रहा है उसका. तो आप जैसे आप पेशेंट आईसीयू के अंदर है तो आप देखेंगे कि अगर आपका नी, आप उसका नी फ्लेक्स कर रहे हो, हिप एक्सटेंशन में लेके जा रहे हो, तो वो आपको कमांड नहीं दे पाएगा कि आपकी उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट. अब हम बात करेंगे फ्रंटल एक्सरसाइज का. इसके अंदर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट एच एस फ्रेंकल ने हमें एक्सरसाइज दी थी. इसका रोल क्या था? रोल ये था कि एक ह्यूमन बींग को ऐसे एक्सरसाइज प्रोवाइड कराना जो अभी करंटली इनकोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है. इसके अंदर हम तीन चीजें देखते हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग एंड सुपाइन. स्टैंडिंग में हम देखेंगे सबसे पहले कौन कौन सी एक्टिविटी आप कराएंगे. आप साइड टू साइड मूवमेंट्स करा सकते हो, आप एक मार्क पोजिशन पर उनको बोल सकते हैं कि आप अपने फुटप्रिंट मार्क कीजिए, राइट. इन सिटिंग के अंदर हम देखेंगे कि आप ये बोलेंगे पेशेंट को कि सिट टू स्टैंड की एक्टिविटी क्या रहेगी आपकी. अगर पेशेंट सिटिंग हाई सिटिंग के अंदर बैठा हुआ है, आपने उसको मार्क किया है, पर आप बात करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन में मूवमेंट्स किए जाए. फिर हम बात करेंगे सुपाइन के अंदर. सुपाइन में क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोअर लिम के अंदर. लोअर लिम में आप देखेंगे हिप मूवमेंट्स, नी मूवमेंट्स, एंकल मूवमेंट्स, राइट. उसमें आप क्या देखेंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, ठीक है. फिर हम बात करते हैं अपर लिम के अंदर. अपर लिम के हमारे जो सारे जो जॉइंट्स हैं, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट जॉइंट्स, उसके एवरी मूवमेंट्स वी हैव टू फोकस ऑन दैट. आगे हम बढ़ते हैं. अब हम बात करें कि हमें यहाँ पे वॉकिंग एड्स को क्यों फॉलो किया जा रहा है. वॉकिंग एड्स बेसिकली क्या है, जहाँ पे पेशेंट की एबिलिटी नहीं है स्टैंडिंग पोजिशन में खुद का वेट मेंटेन करने की, बैलेंस मेंटेन करने की, उसका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो कम है, वो स्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है. बात कर रहे हैं हम वॉकिंग एड्स की. इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं केन्स, क्रचेस, स्टिक्स, व्हीलचेयर और प्रोस्थेसिस. हम बात करते हैं क्रचेस की, वो हमें प्रोवाइड करती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम बेस ऑफ सपोर्ट विद मिनिमम ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम केन्स की. केन्स के अंदर हम उनको देंगे जिसमें मसल वीकनेस की इतनी रिक्वायरमेंट हमें है नहीं. उनकी जो ग्रेड्स हैं, टेंडरनेस की ग्रेड्स हैं, 5 ग्रेड्स होती हैं, बिलो द थर्ड ग्रेड हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे केन्स को. फिर बात करें हम स्टिक्स में, ऐसा हमें देखा होगा हिप फ्रैक्चर केस हम देखते हैं उसके अंदर प्लास्टर जड़ा हुआ है, हम पेशेंट को प्रोवाइड इनिशियली वॉकिंग के लिए क्या देते हैं, स्टिक्स. व्हील चेयर जिसमें पेशेंट की
लॉस ऑफ मसल टोन हो चुकी है इन केस ऑफ पैरालिसिस। कॉज कोई हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, और लास्ट बचता है हमारा प्रोस्थेसिस, जिसके अंदर आपकी जो जॉइंट्स हैं उसकी सरफेस इरेगुलरिटी आ गई है, तो आपने कुछ और एडप्ट किया है आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज प्रोस्थेसिस। थैंक यू।